हेलो स्टूडेंट, दिस इज योर हिंदी टीचर फ्रॉम सेंट नॉर्बर्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल दमोह ऑफ क्लास फर्स्ट। बच्चों, आज मैं आपको वर्णमाला में आने वाले अतिरिक्त व्यंजनों के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि हम पाठ 17 के अंतर्गत पढ़ेंगे, जैसे रा, ढा, ज, फ और आधे चांद की बिंदी। बच्चों, कुछ अतिरिक्त व्यंजन ऐसे होते हैं जो हमारे मेन जो मुख्य व्यंजन होते हैं उन्हीं से मिलते जुलते होते हैं, लेकिन उनमें कुछ थोड़ा सा फर्क होता है, जिनके उच्चारण में थोड़ा सा फर्क होता है। जैसे ड़ा, स, ड, क, सड़क। प, हमें आ की मात्रा ह, ड़ा छोटा ड़ा, पहाड़। अगला व्यंजन है आपका ढ़, इसका भी उच्चारण ढ़ के रूप में किया जाता है। जैसे सा में बड़ी की मात्रा सी, ढ़ में बड़ी की मात्रा डी, सीढ़ी। ब, छोटा ब, ड़ा छोटा ड़ा, बड़ी ई, बड़ी ई, बाढ़ई। ज, बेटा जो जा होता है, जो आपका मुख्य व्यंजन होता है वो है जा, उसका उच्चारण जा होता है, लेकिन इसके नीचे अगर बिंदी रख दी जाती है तो इसका उच्चारण क्या हो जाता है, ज। जैसे यहाँ ज, छोटा ज, हा में आ की मात्रा हा, ज छोटा ज, ज हा ज, हमें ए की मात्रा में, ज, ज छोटा ज, मेज। वैसे ही यहाँ पे जो आपका मुख्य व्यंजन फ होता है उसके नीचे अगर बिंदी रख दी जाए तो उसका उच्चारण फ के रूप में किया जाता है। जैसे फ में औ की मात्रा फौज, जा में बड़ी की मात्रा जी, फौजी। सा में ओ की मात्रा सो, फा में आ की मात्रा फा, सो फा। वैसे ही आधे चांद की बिंदी, आधे चांद की बिंदी का उच्चारण ओ की मात्रा में किया जाता है। यहाँ जैसे कि यहाँ पर बा में आ की मात्रा बा, ऊपर आधा चांद, ल छोटा ला, बॉल। अब यहाँ पे ओ की मात्रा नहीं है किंतु यहाँ पे आधे चांद की बिंदी है, क्योंकि हम जानते हैं कि आधे चांद की बिंदी का उच्चारण ओ की मात्रा में किया जाता है, इसीलिए यहाँ हम इसको क्या पढ़ेंगे, बॉल। वैसे ही यहाँ पर ड में आ की मात्रा ड, ऊपर आधे चांद की बिंदी, आधा क, ट छोटा ट, र छोटा र, डॉक्टर। बच्चों, अब हम यहाँ पर अपने कुछ मददगारों के नाम पढ़ेंगे। कुछ हमारे आम जीवन में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमारी मदद करते हैं, उन्हें हम मददगार कहते हैं। जैसे पहला यहाँ कौन है, हमारी देखभाल, रोगियों से इलाज कौन करता है हमारा, रोगों, कई प्रकार के रोगों से इलाज कौन करता है हमारा, डॉक्टर। डॉक्टर रोगियों का इलाज करता है। वैसे ही यहाँ पर हमें कौन पढ़ाता है, कौन पढ़ाता है हमें, अध्यापक। अध्यापक विद्यालय में पढ़ाते हैं। अब जो हमारे घर में मटके होते हैं, मिट्टी के बर्तन होते हैं, वो कौन बनाता है, कुम्हार। वो भी हमारी हेल्प करता है, हेल्प करता है, तो कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है। अब सुबह सुबह आप दूध पीते हो तो दूध कौन लाता है, दूध वाला, उसको हम क्या कहते हैं, ग्वाला। क्या कहते हैं, ग्वाला। ग्वाला दूध बेचता है। उसी प्रकार हम जब जो हम खाना खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, वो हम मार्केट से लाते हैं। अब मार्केट में कौन सब्जी बेचता है, सब्जी वाला सब्जी बेचता है, तो वो भी हमारी हेल्प करता है ना, हमें सब्जियां देकर। तो ये सब हमारे कौन है, मददगार हैं। तो बच्चों, आज हमने पाठ 17 अतिरिक्त व्यंजन के अंतर्गत ड़ा, ढ़ा, ज, फ और आधे चांद की बिंदी की मात्रा के बारे में पढ़ा। तो आपका गृह कार्य है कि आपको पाठ 17 ड़ा, ढ़ा, ज, फ और आधे चांद की बिंदी के सभी अभ्यास प्रश्नों का घर पर पुनः अभ्यास करना है। धन्यवाद।